हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई और कन्वर्ट और एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लस एटा बी एंड फाइंड कंजुगेट मॉड्यूल्स आर्ग्यूमेंट एंड इनवर्स। तो जो हमारे पास लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अगर वो हमें सिंप्लीफाई करने को बोलते हैं तब भी हमने उसको ए प्लस एटा बी की फॉर्म में चेंज करना है। अगर हमें वो कन्वर्ट करने को कहते हैं कि ए प्लस एटा बी की फॉर्म करो तब भी हमने ए प्लस एटा बी करना है। और अगर हमें वो कहते हैं कि इसको एक्सप्रेस करो ए प्लस एटा की बी फॉर्म में, तो हमने उसको ए प्लस एटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब कि हमने उसको हर केस में सिंप्लीफाई ही करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमने सब कुछ पढ़ना है, कंजुगेट भी फाइंड करना है, मॉड्यूल भी फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट भी करना है और इनवर्स भी करना है। ये करने से पहले सबसे पहले हमने क्वेश्चन को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ए प्लस एटा बी की फॉर्म के अंदर ही उसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 5 प्लस एटा 3 इंटू 3 माइनस एटा 2। तो हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, 5 को माइनस 2 एटा से करा माइनस 10 एटा, एटा 3 को 3 से करा 3 को 3 से करा 9 एटा, एटा 3 को माइनस 2 से करा माइनस 2 एटा से करा, देखो प्लस को माइनस से करा माइनस 3 को 2 से करा 6, एटा को एटा से करा एटा स्क्वेयर, और एटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस 1, और माइनस 6 को माइनस 1 से करा माइनस को माइनस से करा प्लस और 6 को 1 से करा 6, और ये हमारे पास क्या है माइनस का आयोटा, ठीक है। अब ये हमारे पास माइनस का 10 आयोटा प्लस 9 का आयोटा, माइनस 10 प्लस 9 तो कितना आ गया माइनस 1 आयोटा, ठीक है। अब ये 15 प्लस 6 हमारे पास कितना हो गया 21, और ये माइनस आयोटा, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 21 माइनस आयोटा। तो जेड हमारे पास ए प्लस आयोटा बी होता है, ठीक है। तो कंजुगेट कितना होता है ए, अगर हमारे पास ये प्लस है तो ये साइन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही हमारे पास साइन चेंज होता है। तो हमारे पास जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा 21, आयोटा पहले माइनस में था किस में हो जाएगा प्लस में, तो कंजुगेट कितना आ गया 21 प्लस आयोटा। अब हमने इसका क्या निकालना है मॉड्यूल, मॉड्यूल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जेड ए प्लस आयोटा बी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड्यूल क्या होगा ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। अब यहाँ पे ए कितना है 21, यानी कि 21 का स्क्वेयर आ गया, बी कितना है आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, बी कितना माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वेयर, 21 का स्क्वेयर कितना आ गया 441 प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर कितना आ गया प्लस 1। अब 441 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 442, तो ये हमारे पास क्या आ गया मॉडुलस आ गया। अब हमने क्या निकालना है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए, टेंजेंट इनवर्स बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है माइनस 1, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21। उसके बाद हमने क्या निकालना है इनवर्स, इनवर्स हमारे पास क्या होता है कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन में मोड जेड का स्क्वेयर। अब कंजुगेट हमारे पास कितना है 21 प्लस एटा, और मॉड्यूल हमारे पास कितना है स्क्वेयर रूट ऑफ 442, और इसका हमने स्क्वेयर लिखना है, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया नीचे 442। अब ये जो 442 है, ठीक है, ये हमारे पास 21 के नीचे भी आ जाएगा एटा के नीचे भी, तो क्या आ गया 21 अपॉन में 442 और एटा अपॉन में 442, ये हमारे पास क्या आ गया इनवर्स आ गया। इस तरह से हम कंजुगेट मॉड्यूल आर्ग्यूमेंट और इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट डाउन दी कंजुगेट ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं हमने उसका क्या फाइंड करना है, हमने उसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 अपॉन में 3 प्लस 5 आयोटा, हमने 1 अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा का क्या करना है कंजुगेट फाइंड करना, ठीक है। अब हम इसका कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस एटा बी की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। अब ये हमारे पास क्या है 1 अपॉन में 3 प्लस 5 एटा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 3 प्लस 5 एटा से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अब हम डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो नीचे वाला नंबर होता है उसका हम क्या लिखते हैं कंजुगेट, कंजुगेट क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका क्या हो जाता है साइन चेंज हो जाता है। तो हमारे पास ये प्लस है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस 5 एटा। अब हमने ऊपर भी 3 माइनस 5 एटा से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी 3 माइनस 5 एटा से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब हम 1 को 3 माइनस 5 एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 माइनस 5 एटा ही आ जाएगा, और ये हमारे पास पहले की तरह क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 9, बी स्क्वेयर आयोटा का स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा, और 5 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 25।
अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, माइनस वन। ठीक है, हमारे पास ये क्या है क्वेश्चन, नाइन माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, ये है 9 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया 9 प्लस 25, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 हमारे पास कितना हो गया 34। अब ये जो 34 है वो 3 के डिवाइड में भी आ जाएगा और माइनस 5 के, तो 3 बाय 34 माइनस 5 आयोटा बाय 34, यानी कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, जेड कितना आ गया 3 बाय 34 माइनस 5 बाय 34 आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है इसका कंजुगेट, कंजुगेट क्या होता है, सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट का क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन कितना है हमारे पास, माइनस है, 5 बाय 34 के साथ आयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट हुआ, तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो हमने कंजुगेट जब लिखना है तो इस साइन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, प्लस में। तो हमारे पास कंजुगेट कितना आ गया 3 बाय 34 प्लस 5 अपॉन 34 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब नीचे देखो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर है, यानी कि अगर हम इसको ए मान ले इसको बी मान ले तो किसका फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर लिखो, अगर मैं नहीं भी लिखती कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता। फिर बी स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है आयोटा, फिर माइनस 2ab, ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए कितना है 1 और b कितना है आयोटा, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1, और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा। अब प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बच गया 1 अपॉन माइनस 2 आयोटा। अभी भी हमारे पास ये क्या है 1 अपॉन माइनस 2 आयोटा, यानी कि जो 1 है वो हमारे पास 2 आयोटा से क्या हो रहा है डिवाइड। अभी भी ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो देखो अब ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है नीचे, तो हमने इसके आगे क्या लगा लिया 0, तो ये क्या बन गया 0 माइनस 2 आयोटा। अब इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसका कंजुगेट लिखेंगे, कंजुगेट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करते हैं तो क्या आ गया 0 प्लस 2 आयोटा, तो हमने नीचे भी 0 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी 0 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करा। अब 1 को 0 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 2 आयोटा ही आ जाएगा, नीचे हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 2 आयोटा से करेंगे तब भी 0, माइनस 2 आयोटा को 0 से करेंगे तब भी 0, 0 लिखने की तो देखो जरूरत है ही नहीं। अब माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, 2 को 2 से करेंगे 4, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है माइनस 1। देखो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास क्या आया 2 आयोटा अपॉन में 4 आयोटा स्क्वायर, देखो ये आया 2 आयोटा, ये माइनस 4 है, 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया 2 आयोटा अपॉन में 4। ठीक है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 4 जा 2, तो कितना आ गया आयोटा 2 बाय 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आयोटा 2 बाय 2, तो हमारे पास जेड बार क्या आ गया 0 प्लस आयोटा बाय 2, देखो ये हमारे पास आयोटा बाय 2 आ गया। ठीक है, तो जेड हमारे पास कितना आ गया 0 प्लस आयोटा बाय 2, लेकिन हमें क्या लिखना है कंजुगेट, कंजुगेट कैसे लिखते हैं हम इमेजिनरी पार्ट का क्या कर देते हैं साइन चेंज कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन कितना प्लस, हमने यहाँ क्या कर दिया माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ गया कंजुगेट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयोटा 17 आयोटा 20 माइनस आयोटा 13। अब देखो मैंने आपको बहुत बार वैल्यू निकालनी सिखा दी है कि हम हायर पावर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने उसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद उसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने के बाद उसका हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है ए एम प्लस 1 ए एम डॉट ए एन की, और वो प्रॉपर्टी फाइंड करने के बाद उसके बाद हमने कौन सा पावर फॉर्मूला लगाना है, और पावर फॉर्मूला लगाने के बाद हमने सारी वैल्यू निकाल ली है। तो हमारे पास आयोटा 17 की वैल्यू कितनी आ गई आयोटा, आयोटा 20 की वैल्यू कितनी आ गई 1, और आयोटा 13 की वैल्यू कितनी आ गई आयोटा, तो हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी, आयोटा 17 की वैल्यू क्या पुट करी आयोटा, आयोटा 20 की वैल्यू क्या पुट कर दी 1, और आयोटा 13 की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी आयोटा। ठीक है, अब प्लस के आयोटा से माइनस का आयोटा क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा जेड इज इक्वल टू 1 बचा, सिर्फ 1 बचा, अब इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं तो मैंने अपनी मर्जी से क्या लिख लिया 0 आयोटा, और हमने क्या निकालना है कंजुगेट,
कंजुगेट कैसे निकालते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन क्या कर देते हैं, चेंज। यहाँ पे प्लस जीरो एटा, मैंने क्या लिख दिया, माइनस जीरो एटा, तो वन माइनस जीरो एटा हमारे पास क्या बचेगा, वन ही बचेगा। ठीक है, इस तरह से अगर हमें कंजुगेट फाइंड करना आता है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको ए प्लस एटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चाहे हमारे पास फॉर्म कोई सी भी दी हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मॉड्यूल एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने मॉड्यूल और आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करना है, इसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट यूज होएगा। ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास वैसे जितनी इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है वो अभी तक आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन अगर इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई कंसेप्ट नहीं भी समझ आता, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एक यूनिट है जो नेक्स्ट यूनिट है, उसके अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझाऊंगी, आपने जो पहले पढ़े हैं वो भी और जो नहीं पढ़े हैं तभी। ठीक है, अगर किसी को इस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट कंसेप्ट है अगर वो किसी को नहीं समझ में आता तो इट्स ओके। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले तक करिए, आपके जो इसके नेक्स्ट ये है ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में सबसे पहले हम इसी कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट हमारे पास क्लियर नहीं होता हम ट्रिग्नोमेट्री को में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात कोई नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसके अंदर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करा दिया कि हमने कैसे आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर थोड़ी सी भी फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं वो हम ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में सारे के सारे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फाइंड द मॉड्यूल एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इसके अंदर क्या करना है, मॉड्यूल फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। फिर वही बात मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, हमें कॉम्प्लेक्स के नंबर के अंदर कोई भी चीज फाइंड करनी है, चाहे वो कॉन्जुगेट है, चाहे वो मॉड्यूल है, चाहे वो आर्ग्यूमेंट है, चाहे वो इनवर्स है, सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ए प्लस एटा बी की फॉर्म में। चाहे उसको प्लस करके कन्वर्ट करिए, चाहे माइनस करके करिए, चाहे मल्टीप्लाई डिवीजन, हमें कुछ भी दिया है, सबसे पहले हमने उसको ए प्लस एटा बी की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये ऑलरेडी ए प्लस एटा की बी की फॉर्म में ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, जेड इज को इसमें हमने मॉड्यूल और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस एटा बी। अब हम कंपेयर करेंगे ए की जगह क्या है वन और बी की जगह क्या है रूट थ्री, तो हमें ए की वैल्यू वन मिल गई है, बी की वैल्यू रूट थ्री मिल गई है। तो मॉड्यूल जेड का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है वन और बी कितना है रूट थ्री, तो हमने वन का भी स्क्वायर लिख लिया और रूट थ्री का भी स्क्वायर लिख लिया। तो वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा वन, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया थ्री, वन प्लस थ्री कितना आ गया फोर, और फोर का स्क्वायर रूट कितना आ गया टू, तो हमारे पास मोड जेड कितना आ गया टू। अब हमने क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट थीटा, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए, तो टेंजेंट इनवर्स बी हमारे पास कितना है रूट थ्री, ए हमारे पास कितना है वन, तो हमारे पास टेंजेंट रूट थ्री आ गया। अब हमने ये देखना है कि टेंजेंट की वैल्यू रूट थ्री कब होती है, टेंजेंट की वैल्यू रूट थ्री होती है टेंजेंट 60 डिग्री पे, यानी कि रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री। रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 60 पे वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री, यानी कि इस रूट थ्री को हम टेंजेंट 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो टेंजेंट कितने इनवर्स है, टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या रह जाएगी 60 डिग्री, यानी कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या आ गया 60 डिग्री। अब देखो ये रूट थ्री था, हमें रूट थ्री पे वैल्यू पता थी इसलिए तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन होता है कि हमारे पास माइनस में भी आ जाते हैं तो हम माइनस में उस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमारे पास ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट लगता है जो मैं आपको, आपने ये पढ़ा भी है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अब भी पढ़ा दूंगी और जब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर आएगा तब मैं इसको बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस रूट थ्री बाय टू प्लस आयोटा बाय आयोटा वन बाय टू। तो सेम हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस एटा बी, तो हम कंपेयर कर लेंगे, ए की जगह क्या है माइनस रूट थ्री बाय टू और बी की जगह क्या है हमारे पास वन बाय टू, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, मॉड्यूल जेड। मॉड्यूल जेड का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए हमारे पास कितना है माइनस रूट थ्री बाय टू, इसका स्क्वेयर लिख लिया, बी हमारे पास कितना है वन बाय टू, हमने इसका स्क्वेयर लिख लिया। तो अब रूट थ्री का माइनस का स्क्वेयर प्लस आ जाएगा, रूट थ्री का स्क्वेयर कितना आ जाएगा थ्री, देखो माइनस का स्क्वेयर कितना आ गया प्लस, माइनस रूट थ्री बाय टू का हमने स्क्वेयर लिखा है, माइनस का स्क्वेयर कितना आ जाएगा माइनस का स्क्वेयर, रूट थ्री का भी स्क्वेयर और टू का भी स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर क्या आ जाएगा प्लस, रूट थ्री से ये कैंसिल हो जाएगा कितना आ गया थ्री, और टू का स्क्वेयर कितना आ जाएगा फोर, तो हमारे पास क्या आ गया प्लस थ्री बाय फोर, प्लस थ्री बाय फोर, वन का स्क्वेयर वन, टू का स्क्वेयर फोर, फोर एलसीएम आ जाएगा, थ्री प्लस वन फोर, फोर से फोर कैंसिल होकर वन और वन का स्क्वेयर रूट वन, तो हमारे पास मॉड्यूल कितना आ गया वन। अब हमने थीटा निकालना है, यानी कि जिसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए, टेंजेंट इनवर्स बी हमारे पास कितना है
वन बाय टू, ए हमारे पास कितना है माइनस रूट थ्री बाय टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस वन बाय रूट थ्री। अब हमारे पास जो रूट जो माइनस को आप एक उत्तर लेके छोड़ दो, हमारे पास क्या बच गया वन बाय रूट थ्री। अब जो टेंजेंट की वैल्यू वन बाय रूट थ्री होती है वो कितने डिग्री पे होती है, टेंजेंट थर्टी पे, जो वन बाय रूट थ्री टेंजेंट थर्टी पे जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है वन बाय रूट थ्री। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में वन बाय रूट थ्री नहीं है, हमारे पास क्या है वन बाय माइनस वन बाय रूट थ्री। तो हमारे पास ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये जीरो डिग्री होता है, ये नब्बे डिग्री होता है, ये हमारे पास 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है, और ये दोबारा मुड़के हमारे पास क्या आ जाता है 360 डिग्री। अब 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं पाई, पाई लिखते हैं। अब 180 का जब आधा करते हैं 90 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे पाई बाय टू। ठीक है, अब इसके अंदर ये सारे एंगल, ये चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के। 180 में हम 90 प्लस कर देंगे 270 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम पाई है, पाई में हम 90 ऐड करेंगे, 90 को क्या लिखते हैं पाई बाय टू, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 पाई बाय 2, और ये क्या आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, अभी हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, ट्रिक है, फॉर्मूला तो नहीं ट्रिक कह सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ए से मतलब ऑल एंगल पॉजिटिव, एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, टी फॉर टेन, टेन का उल्टा होता है कोट, सी फॉर कोस, और कोस का उल्टा होता है सेक। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे चाहे साइन है चाहे कोस है चाहे टेन है चाहे कोट है, यहाँ पे सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। एस फॉर साइन, साइन का अपोजिट कोसेक, यानी कि यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव, यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव। और जब हम 90 से इधर जाते हैं या इधर जाते हैं तो हमारे पास एंगल क्या हो जाते हैं चेंज। इसी तरह से जब हम 270 से इधर जाते हैं या 270 से इधर जाते हैं तब भी एंगल क्या हो जाते हैं चेंज। अब एंगल चेंज होने का मतलब क्या होता है कि जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाता है, और जो कोस है वो साइन में, जो टेन है वो कोट में चेंज हो जाता है, अगर कोट है तो वो टेन में, जो कोसेक है वो सेक में चेंज हो जाता है, और जो सेक होता है वो कोसेक में, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इधर आते हैं। अब हमारे पास ये है टेंजेंट वन बाय रूट थ्री, और जो हमारे पास टेंजेंट वन बाय माइनस टेंजेंट हमारे पास थर्टी पे वैल्यू वन बाय रूट थ्री होती है, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू क्या है नेगेटिव। हमने ये देखना है कि टेंजेंट नेगेटिव कहाँ पे है, यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव है, यहाँ सब कुछ ही पॉजिटिव है, तो हमारे पास एक, और जब हम इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट पे जाएंगे तो हमारे पास एंगल, ये एंगल ज्यादा बड़ा है 270 का, तो हम यहां से निकाल सकते हैं टेंजेंट 30। अगर हम 180 में से 150 को माइनस कर देंगे, टेंजेंट 180 माइनस 150, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट 30 को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 50, ये 180 है, 180 में से हम कुछ भी माइनस कर देंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे सर, 180 में से हमने 150 माइनस करा तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, जो 150 एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, हम 180 से इधर जाएंगे तो हमारे पास ये टेंजेंट टेंजेंट ही रह जाएगा, पीछे एंगल क्या है 150, तो ये 150 कहाँ पे है, देखो 30 को हम टेंजेंट 30 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 150। ठीक है, तो ये टेंजेंट है, 180 में से कुछ भी माइनस हो रहा है, हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे सेकंड में, 180 में से माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, तो वहां पे हमारे पास टेंजेंट कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा टेंजेंट 150 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थीटा की जगह हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 150। आप इसको यहां तक करिए, ये जो आपको कंसेप्ट है, अगर आप नहीं भी समझ आया तो मैं इस कंसेप्ट को आपको बाद में भी समझा दूंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जेड इज इक्वल टू 3+4 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है हमारे पास, कि हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वन आ जाए, यही बताया था। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जेड इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन में मोड जेड स्क्वायर, और एक हमारे पास होता है जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। मैं आपको दोनों से सोल्व करना सिखा दूंगी इसको। अब ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जेड 3+4 एयोटा, हमने इसको कंपेयर कर लिया ए प्लस एयोटा बी से, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 4।
ठीक है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेट ए प्लस एटा बी दिया तो उसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, ए माइनस एटा बी, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो जेट कितना है हमारे पास, 3+4 एटा, तो इसका कंजुगेट कितना आ जाएगा, जेट बार कितना आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट प्लस में तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो कंजुगेट कितना आ गया, 3-4 एटा। अब हमने इसका क्या निकालना है, मॉड्यूल, मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए हमारे पास कितना है 3, बी हमारे पास कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना आ गया 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास 5, तो मोड जेड कितना आ गया हमारे पास 5। अब हमने जेड इनवर्स निकालना है, जेड इनवर्स क्या होता है, मोड जेड कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन में मोड जेड का स्क्वायर। अब कंजुगेट ऑफ जेड कितना आया हमारे पास 3-4 रूट, और मोड जेड कितना आया हमारे पास 5, ये मोड जेड है, मोड जेड 5 आ गया, उस 5 का हमने क्या लिखना है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। अब ये जो 25 है वो 3 के नीचे भी और 4 एयोटा के नीचे भी, तो क्या आ गया 3/25-4 एयोटा बाय 25। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया एक मेथड से। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है, अब देखो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, जेड इज इक्वल टू 5+2 एयोटा और 3+ एयोटा डिवाइड है, तो डिवाइड वाले पोर्शन में हमारे लिए इस तरह से आपको a माइनस कंजुगेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, a प्लस एटा b की फॉर्म में, जिसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो वो आपके लिए एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर हम इसको z इनवर्स 1/z की फॉर्म से निकालते हैं तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, आपको ईजी हो जाएगा। तो z इनवर्स क्या होता है 1/z, ठीक है, तो z इनवर्स क्या हो गया 1/z, 1/z हमारे पास कितना दिया हुआ है 5+2 एयोटा 3+ एयोटा। अब ऊपर वाले 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, मैंने उसके नीचे भी 1 लगा लिया, इसको क्या बना लिया 1/1, ठीक है, ये 1/1 लिखा। जब मैंने डिवाइड वाली टर्म को मल्टीप्लाई में करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर, सिंपल भाषा में कह देते हैं कि जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली चीज कहाँ जाती है, नीचे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3+ एयोटा को 1 से करेंगे तो 3+ एयोटा आ जाएगा, 5+2 एयोटा को करेंगे तो 5+2 एयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन गया, डिवाइड। अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड, डिवाइड कैसे करते हैं, हम नीचे वाले पार्ट का क्या लिखते हैं, कंजुगेट, कंजुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, तो ये 5+2 एयोटा था, इसको हमने क्या लिख दिया 5-2 एयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से करा 15, 3 को -2 एयोटा से करा -6 एयोटा, एयोटा को 5 से करा 5 एयोटा, एयोटा को -2 एयोटा से करा -2 एयोटा स्क्वायर, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। नीचे वही फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 एज इट इज, माइनस का 6 एयोटा प्लस का 5 एयोटा, क्या बच गया, माइनस का 1 एयोटा, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, ये -2 है, एयोटा स्क्वायर हमने ये -2 है, और माइनस माइनस हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है, तो 15 माइनस एयोटा, यहाँ पर भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस रखी है, तो माइनस माइनस प्लस 25+4 कितना आ जाएगा 29 आ गया हमारे पास, तो ये क्या आ गया 17-8/29, तो 29 17 के नीचे भी है, इस एयोटा के नीचे भी है, तो हमारे पास जेड इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 17/29-8/29, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर।